एजेंडा तो साफ है कि जब कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे साहब ने जो कमेटी बनाई थी हमारी एयरलाइंस को लेके, क्या गठबंधन में आगे बढ़ना चाहिए, किस प्रकार से, और हमारी पार्टी लोग क्या सोचते हैं। तो पहला फेज आज पूरा हो गया था, जिसमें हमारे जो प्रदेश कांग्रेस के नेता लोग हैं उन सब से चर्चा हो चुकी है कि कांग्रेस पार्टी अपने अपने राज्य में क्या सोचती है और अन्य पार्टी ने किस लेवल पे हमें उनसे बातचीत करनी है, कितनी सीटें हमें लेनी है, देनी है, ये तमाम बातें हम लोग कर चुके हैं। आज खड़गे साहब से, राहुल गांधी जी से मीटिंग होगी, उसमें चर्चा होगी, उसके बाद में तय होगा कि आगे हम किस दिशा में बढ़े आगे। सर, इंडिया ब्लॉक किस लेवल पर, किस लेवल पर अन्य पार्टी से बात होनी है वो तय आज होगा। खड़गे साहब किसको काम सुपुर्द करते हैं, एआईसीसी के किसी पदाधिकारी को करते हैं ऑफिशियली, या उनके ऊपर निर्भर करेगा कि वो किस पार्टी से कौन बात करे, वो फिर आते होगा। सर, एक राम मंदिर को लेकर के भी मेरा सवाल है कि राम मंदिर को लेकर के तमाम तरह की बयानबाजी हो रही है। कोई कहता है कि इतना राम मंदिर का निर्माण हमने कराया, कोई कहता है कि राम सबके हैं। इस बीच एक और बयान आया है कि गांधी जी की हत्या कास्ट की वजह से हुई थी, कि क्योंकि छोटे कास्ट को आरएसएस नहीं देखना चाहती है, जो पिछड़ा तबका है। क्या कहना है सर इस पूरे मामले पे आपका? देखिए, कोई कुछ भी कहे, अगर महात्मा गांधी अंतिम सब थे मरने के पहले जब शहादत हुई थी, हे राम, तो अब ये जो नए पैदा हो गए राम भगत, ये नए पैदा हुए, इनमें अधिकांश लोग तो राम को मानते नहीं थे। आंदोलन शुरू हुआ था तब ऐसे ऐसे नेता आगे आए थे राजनीति करने के लिए राम के नाम पे, जबकि हम तो बचपन से पैदा हुए से राम भक्त हैं। हम लोग तो उनको ये राम भक्त मानते नहीं है, तो मानते जो बीजेपी की मेंबरशिप लो तो राम भक्त हो आप। हो ये जो इश्यू बना है इन्होंने, इनको पूछो, ताला किसने खुलवाया था राम मंदिर का? राजीव गांधी ने खुलवाया था। इनको पूछो शिलान्यास किसने किया था? राजीव गांधी ने किया था। ये भूल क्यों जाते हैं? वो अलग बात है कि इश्यू बन गया था बहुत बड़ा, उसमें विश्व हिंदू परिषद ने लीड लिया, लंबी कहानी बन गई। आखिर में सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब आया तो चाहे हिंदू है चाहे मुस्लिम है चाहे कोई पार्टी के लोग थे, सबने वेलकम किया उसको, सबने वेलकम किया। उसके बाद वो इश्यू खत्म हो गया। उसके बाद में जो धर्म गुरु थे या जो राम जन्मभूमि के ट्रस्टी लोग थे, ट्रस्टी थे, कमेटी बनी हुई थी, उसका काम है मंदिर बनवाना और उसको प्राण प्रतिष्ठा से करना। प्राण प्रतिष्ठा काम उनका होना चाहिए। जिस रूप में एनडीए गवर्नमेंट ने, सरकार ने, खुद ने, प्रधानमंत्री जी का विशेष इसमें रुचि, योगी महाराज की रुचि लेना एक बात है, मैं मुख्यमंत्री हूं, कोई मंदिर बनता, कोई धार्मिक स्थल बनता तो सरकार उसमें सहयोग कर सकती है एक लिमिट तक। असली काम होता है उस कमेटी का जो निर्माण करवाती है, धार्मिक कमेटी होती है, उसका काम होता है। अभी इतना कब्जा करके बैठ गए उसके ऊपर, पूरी राजनीति बालाकोट की तरह भी राजनीति हो रही है राम मंदिर पे चुनाव जीतने के लिए। ये कोई अच्छी परंपरा का काम नहीं कर रहे लोग। आज चाहे कुछ सोचते हो अपने स्वार्थ के कारण से, इनके अपने स्वार्थ हैं, पर आज जो देश के अंदर जिस प्रकार इन्होंने माहौल बनाया है, तो आप जानते हो कि धर्म सबकी कमजोरी होता है, चाहे वो कोई धर्म का व्यक्ति हो, उसका ये फायदा उठा रहे हैं, उसका फायदा उठा रहे हैं ये लोग। हिंदुओं को भड़का रहे हैं, हिंदुओं को डिवाइड करा रहे हैं। वो हिंदू जो बीजेपी के नेता है, कार्यकर्ता, वो तो हो गए राम भगत, ये मानते हैं, बाकी लोग राम भगत मानते नहीं है। तो बहुत खतरनाक खेल चल रहा है देश के अंदर। तो सर, आपको लगता है कि महात्मा गांधी, और मेरा मानना है
कि इस देश में हो क्या रहा है। राष्ट्रपति सदे मुर्मू जी, आपने पार्लियामेंट भवन बनाया भाई, उसमें राष्ट्रपति जी नहीं, उपराष्ट्रपति जी नहीं, उपराष्ट्रपति तो चेयरमैन भी होता है राज्यसभा का, आपने उनके बगल कर लिया प्रोग्राम। आप ये मत सोचिएगा कि लोग देख नहीं रहे, जान नहीं रहे, देश नहीं दुनिया देख रही है आपको। नंबर एक। नंबर दो पर राम मंदिर को जब आपने सरकारी प्रोग्राम बना दिया, आप सब कुछ पंचायती आप कर रहे हो, देख रेख आप कर रहे हो, पॉलिटिकल फायदा आप उठा रहे हो, रोड शो कर रहे हो पहले से ही शानदार, उसको इवेंट बना दिया आपने, और राष्ट्रपति जी को बुला ही नहीं रहे हो आप। आज वो ट्राइबल की नेता है, आपके द्वारा चुनी हुई है, आपकी पार्टी ने उनको चुना है, सम्मान दिया, अच्छी बात है, अच्छी बात है कि राष्ट्रपति बनी हमारी, मान लो ट्राइबल बैकग्राउंड से नेता बनी है, आप बुलाइए उनको, वो आपकी ट्राइबल की है, आदिवासी है, आप बुलाइए पूर्व राष्ट्रपति को, पूर्व राष्ट्रपति जी एससी के हैं, कोविड साहब, आप बैठाइए उनके साथ में, आप उनको बैठाइए, आप अडवाणी जी को बैठाइए, जोशी जी को बैठाइए साथ में, तो मोदी जी आपका ऑरा बढ़ता, मोदी जी का सम्मान बढ़ता देश के अंदर। लोग समझते थे मोदी जी सबको साथ लेके चले, धार्मिक अनुष्ठान के अंदर दलित भी बैठा हुआ है, आदिवासी बैठा हुआ है, सभी कौम के लोग बैठे हुए हैं, उनकी खुद की मान सम्मान बढ़ता देश के अंदर। अब कौन उनको सलाह दे रहा हो तो वो जाने, परंतु मेरा मानना है कि उनकी अप्रोच जो बना रखी है उन्होंने, वो लंबे समय तक काम आने वाली नहीं है। समय आने पर देगी, जनता जवाब देगी और करार जवाब देगी, मैं कह सकता हूँ आपको। सर एक सवाल मेरा और है, क्योंकि ईडी के सामने जब महात्मा गांधी की बात आपने कही, महात्मा गांधी तो महात्मा गांधी थे, अगर आइंस्टीन ने जो महान वैज्ञानिक ऐसे नहीं कह दिया, आने वाली पीढ़ियां विश्वास नहीं करेगी, कोई हार्ड माइंड का व्यक्ति भी धरती पर चला था वो महात्मा गांधी था। महात्मा गांधी ने कहा था, शायद मनु बहन को कहा होगा, कि अगर जब मेरी मृत्यु होगी उस वक्त मेरे मुंह से अगर राम नहीं निकले तो समझना कि ये महात्मा ढोंगी महात्मा था। आप सोचिएगा, जो महात्मा गांधी का जब मेरा अंतिम सांस निकलेगा, अगर मेरे मुंह से ए राम नहीं निकले तो समझना वो ढोंगी था। मैंने आप बताइए इस पर कई भावना जो लोग चर्चा करते हैं, तो आप बताइए कि कुछ महात्मा के बारे में क्या कहना। तो आज जो कुछ हो रहा देश में बहुत खतरनाक हो रहा है, देश किस दिशा में जा रहा है किसी को नहीं मालूम, किस दिशा में जाएगा कोई नहीं जानता, मीडिया हो चाहे आम जनता हो। एक बार तो हिटलर के वक्त में ऐसा ही हुआ था, पूरी जर्मनी के अंदर लोगों में लगा कब युद्ध शुरू होगा, कब हम भाग लेंगे उसके अंदर, इस प्रकार का उनको माहौल बना दिया गया वहां पर धर्म के नाम पर, इतने लोग उतावले हो गए थे, और बाद में अब उसका नाम लेते हुए क्राइम होता है वहां पर, अपराध की श्रेणी में आता है हिटलर नाम वहां पर। तो ये देश की धर्म जा रहा है, हम चिंता कर रहे हैं। मैंने कहा राजस्थान में मुझे हारने का जितना गम नहीं है, उससे ज्यादा चिंता देश में क्या हो रहा है उसकी है। सर एक सवाल मेरा ईडी को लेकर है, सोनिया जी राहुल जी भी ईडी के संबंध पर हाजिर हुए थे ईडी के सामने, लेकिन अरविंद केजरीवाल बार बार स्किप कर रहे हैं, क्या मानना है आपका, अरविंद केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना चाहिए? देखिए, ईडी और इनकम टैक्स सीबीआई तीनों प्रीमियर एजेंसी हैं, पूरे देश को इस पे गर्व था, गर्व होना चाहिए, पर दुर्भाग्य से तीनों एजेंसियों की क्रेडिबिलिटी मोदी जी अमित शाह जी खत्म कर रहे हैं, जिस प्रकार इशारा कर करके भेज रहे हैं लोगों के यहाँ, टारगेट बना रहे हैं। मेरा मानना है हिन्दुस्तान के अंदर जितने लाखों व्यापारी है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो 25 बैठा दे अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट को, तभी कहीं गलती हो सकती है। पर आपको टारगेट अगर एक्स को करना है
वाई को करना, जेड को करना है, आप भेज दीजिए वहां पर, छोटी बड़ी गलती निकल जाएगी आपको। क्राइम किसने किया है? अगर एक्चुअल में क्राइम किसी ने किया है, उसका पकड़ो, जेलों बंद करो, सजा दिलाओ, हम स्वागत करेंगे। जिस प्रकार तमाशा बना रखा देश के अंदर विपक्षी पार्टी नेताओं पर, इनकी खुद हंसी हो रही है। पांच पांच बार, छह छह बार समन भेज रहे हैं ये लोग, मुख्यमंत्री के यहाँ भेज रहे हैं। मुख्यमंत्री चुनाव मुख्यमंत्री होता है। कल अफवाह चल गई जयपुर के अंदर, पूर्व मुख्यमंत्री के घर पे ईडी घुस गई है, वहां पे बयान हो रहे हैं उनके। ना वो ईडी थी, ना कोई चर्चा थी, पूरा मीडिया के घर के बाहर खड़ा हो गया। वो क्या कहते मीडिया ने मालूम आपको? हमने पूछा ये कैसे हुआ, कि हमें अपने सूत्र जो ईडी में है उन्होंने इतला करी थी, अभी जांच करवाओ, इसकी जांच करवाओ। अभी आपने किसने इतला करी मीडिया को, की या नहीं की, मीडिया वाले सही कह रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, मालूम पड़ जाएगा आपको। तो ये तमाशे जो चल रहे देश के अंदर, इन एजेंसियों की इम्पोर्टेंस खत्म होना देश हित में नहीं है, इन एजेंसियों की क्रेडिबिलिटी कम होना देश हित में नहीं है। आर्थिक बर्बाद होगा, बढ़ जाएंगे और ज्यादा, उस पर अंकुश लगना चाहिए। इनकम टैक्स में रेवेन्यू बढ़नी चाहिए। सीबीआई में क्राइम जो होता है, सीबीआई की इतनी बड़ी क्रेडिबिलिटी रही है कि हम सब कहते हैं सीबीआई से जांच करवाओ राज्यों के अंदर, उसकी क्रेडिबिलिटी कम कर रहे हैं लोग। तो ये उचित काम नहीं कर रहे, बहुत खतरनाक खेल चल रहा है।